महाविनाशी। मूर्ख परियों, तुम्हारा बनाया हुआ ये सुरक्षा कवच मेरी बुराई की शक्तियों को अंदर जाने से नहीं रोक सकता। महाविनाशिनी, आप महाविनाशिनी को युद्ध में व्यस्त रखिए ताकि हम एक पल के लिए सुरक्षा कवच को हटा सके और दोनों परियां परिलोक में प्रवेश कर सके। जी रानी परी। महाविनाशिनी, तुम चाहे कितना भी वार कर लो, किसी भी शस्त्र का प्रयोग कर लो, लेकिन तुम इस सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाओगी। ये मत समझना रानी परी कि मैं हार गई। अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊं। रानी परी, महाविनाशिनी ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? हमें तो लगता है कि वो यहाँ हमसे लड़ाई करने की बजाय किसी और मकसद से आई थी। जरूर वो कोई गहरी चाल चल रही है, हमें सावधान रहना होगा। हाँ बालपुर, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए परियों, हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और परिलोक की सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। जी रानी। वो पहलवान अभी हमें मार मार के हमारे भरता बना देगा। मेरी तो ऐसे फालतू बर्फ बनाते क्यों है? आप मेरे बर्फ को फालतू मत बोलना। हा? आप किसके ऊपर छिड़क देता है तो मेरा क्या कसूर है? मेरी तो मुंडूबास इकालिया। क्या? मुंडूबास? वैसे भी वो मुंडू परफ्यूम की वजह से आपको दोस्त मानती है। आपको सिर्फ उसको जाके ये बोलना है कि आप भी उसके दोस्त हो, फिर वो अपने आप अपने भाई को रोकेगा और आपका धुलाई नहीं होगा। वाह, क्या सॉलिड आइडिया है। दूर दूर भी ऐसे आइडिया तुझे क्यों नहीं आते? अरे बॉस, मुझे बाद में पीटना, पहले उस मूर्ति के पास जाओ। अरे भैया कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रेंड है। तो रुक, मोटा कहाँ है? आखिर तुम मेरे फ्रेंड बन ही गए। बनना ही पड़ा। क्या? कुछ नहीं, जस्ट जोकिंग। पर क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकती हो? तुम अपने भाई को बोल सकती हो कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ और वो मुझे पीटे नहीं। बस इतनी सी बात, आखिर तुम मेरे फ्रेंड हो। चलो तुम्हारी हिम्मत।
चिट्टू कुछ कर वरना तेरी वाट है। करता है करता है। चिट्टू उस लड़की को अचानक क्या हो गया? मैं तो नफरत वाला परफ्यूम डाला भी नहीं था, उसने मेरी कितनी पिटाई की। लगता है बॉस उस मोटे के ऊपर से दोस्ती वाला परफ्यूम का असर खत्म हो गया, इसलिए वो नॉर्मल हो गया। अरे ऐसे कैसे नॉर्मल हो सकती है? मुझे ये बता मैं कब नॉर्मल होऊंगा? भाग भाग के मेरे पैर सूज गए। सॉरी मुंटू बॉस सॉरी। जब तक उस आदमी के ऊपर से वो नफरत वाला परफ्यूम का असर खत्म नहीं होता, तब तक आपको या तो भागना पड़ेगा या तो छुपना पड़ेगा। चिट्टू तेरे परफ्यूम मुझे पागल बना देंगे। वाह पापा ने मुझे कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पे। मानव तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ मैं मानव एक्चुअली मैं मानव बताओ मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं? क्यों आप भी कहीं जा रहे हैं रॉकी चाचू? हाँ लेकिन मुझे किसी को बताने के लिए मना किया गया है। मैं बताओ ना मैं कौन सी टी शर्ट पहनू? देखो ये तुम्हारी बर्थडे के लिए और ये बल्लू की। बताओ ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। माना बताओ मैं कौन सी टी शर्ट पहनू? ये वाली पहन लो। अरे वाह मैं भी यही सोच रहा था। क्या रखे चाचू जब आपने सोच ही लिया तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मैं और रॉकी चाचू एक ही जगह पे तो नहीं जा रहे? Maybe, मुझे तो 5:30 को पहुंचना है। हाँ? तुम्हें 5:30 को पहुंचना है? हाँ, मुझे भी सुंदर पार्क में। हाँ, मुझे भी वहीं जाना है। कहीं तुझे भी वो सपना? हाँ, वही सपना जिसमें दो परियां आई थी। हाँ? और उन्होंने मुझे बालवीर की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। मुझे भी सुंदर पार्क में 5:30 बजे। अरे मुझे भी सपना आया था, दो छोटी छोटी परियां आई थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। लेकिन एक मिनट मैंने तो ये बात बता दी, कहीं मेरा इनविटेशन कैंसिल ना हो जाए। नहीं रॉकी चाचू देखो हम तीनों को इनविटेशन मिला है, अगर हमने उन्हें बताया जिनको इनविटेशन नहीं मिला है तो शायद हमारा कैंसिल हो जाता। हाँ मुझे भी यही लगता है। ठीक है ठीक है तो फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं, साथ में चलेंगे। चलो बहुत मजा आ रहा है। अरे रुको अरे मुंडू बॉस ये 16 श्रृंगार किसके लिए? कोई पार्टी वार्टी में जा रहा है क्या? इसको बताऊंगा तो परिया मेरा पार्टी का इनविटेशन कैंसिल कर देंगी। नहीं नहीं ये मेरा वीकली रूटीन है, मैं हर वीक कराता हूँ। पर तू क्यों करा रहा है? ऐसे ही थोड़ा हीरो बन के बाहर घूमने जाएगा अच्छा लगेगा। वैसे बॉस आज शाम को आपका क्या प्रोग्राम है? शाम को ना तुझे बहुत धोने वाला हूँ। तुझे क्या करना है? कितने सवाल पूछता है, चुपचाप तेरा काम कर। ए, काम कर क्या कर ही रहा है? अरे वाह आज दोनों पागल हीरो बन रहे, क्या बात है। अंकल एक मारो तो। अंकल तुम्हें मारो, आगे से हमको पागल नहीं बोलेगा, समझा? सॉरी बॉस गलती हो गई। मुंटू बॉस मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। बोल। मैं आपकी एक टी-शर्ट ले लूं? मेरी सब टी-शर्ट लॉन्ड्री में गई है ना इसलिए। क्यों कोई पार्टी वार्टी में जाना है? अरे नहीं नहीं मैं कहा पार्टी वार्टी में, मैं तो अपने मॉम डैड के साथ चौपाटी जा रहा हूँ पानी पूरी खाने। ठीक है देख वहां रखा है जाके ले ले। थैंक यू बॉस।
ए मंडू बस ये ले लू ले 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 हाँ थैंक यू बस बाय द रोहित हाँ ये बैग में क्या है अरे वो कुछ नहीं वो बुक्स है अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ किताबे और रोहित ए चिट्टू अंकल बस बहुत हो गया अब जाइए आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा अभी जाओ जाओ थैंक यू बाय चिट्टू चक्कर अभी चक्कर था है मुंडू बॉस इसमें किताब नहीं इसमें गिफ्ट है मुझे लगता है ये कोई पार्टी पार्टी में जा रहा है क्या हाँ ये जरूर कोई पार्टी में जा रहा है रोहित के बच्चे की तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मोंटू द ग्रेट ड्रेस लगाने से झूठ बोलने की खोल 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 देखते क्या है बैग में क्या लाया था अरे मोंडू बॉस वो मेहर का बर्थडे है ना तो उसके लिए प्रेजेंट लाया था अभी जो हमारे साथ हुआ वही उस पिद्दी मेहर के साथ होने वाला था तो तूने पहले क्यों बताया कि इसके अंदर बुक्स है वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था बॉस आप जब डायरेक्ट मेहर को ऐसे देखते तो आपको मजा आ जाता लेकिन आपने सारा मजा इधर ही निकाल दिया ठीक है अब तुम लोग यहाँ से निकलो मुझे परी लोग परी परी अरे परी क्या परी नो परी पार्सल अच्छा अरे मुझे पार्सल लेने जाना है मेरे डैड जापान गए ना तो उधर से उन्होंने मेरे लिए पार्सल भेजा है भाई 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 चलो भागो यहाँ से ठीक है ठीक है ठीक है मोंटू बॉस इसका क्या करेगा हाँ सारी चीजें मैं ही बताऊँ निकलो निकलता निकलता रानी परी जिसका डर था वही हुआ महाविनाशिनी ने परिलोक की सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की हमें लगता है कुछ अमंगल जरूर होगा लेकिन डरी परी महाविनाशिनी सुरक्षा कवच तोड़ तो नहीं पाई ना इसका मतलब महाविनाशिनी उत्सव में बाधा नहीं डाल पाएगी नहीं आग बार परी हमें शत्रु को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए हमें तो लगता है कि महाविनाशिनी यहाँ सुरक्षा कवच को तोड़ने नहीं आई थी बल्कि महाविनाशिनी कोई गहरी चाल चल रही है और हमें तो ये भी लगता है परियो महाविनाशिनी को बालवीर के जन्म दिवस के उत्सव के बारे में पता चल चुका है अब बिल्कुल सही कह रही है रानी परी इस स्थिति में हमें कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए हमारे ख्याल से हमें हमारे उत्सव की जगह बदल देनी चाहिए हाँ परियो बाल परी बिल्कुल सही कह रही है तो परियो हमने तय कर लिया कि हम बालवीर के जन्म दिवस का उत्सव परीलोक में नहीं बल्कि आकाश लोक में मनाएंगे हाँ परियो हम बच्चों को गुप्त रास्ते से उत्सव स्थल तक पहुंचाएंगे और बच्चों को ले जाएगी बुलबुल बुलबुल वो कौन है भटकाती परी इसके बारे में आपको पृथ्वी लोक के उद्यान में जाकर ही पता चलेगा लेकिन आकाश लोक में सुरक्षा तो बहुत कमजोर होगी रानी परी और महाविनाशिनी अगर किसी भी तरह वहां पहुंच गई तो गंभीर समस्या हो जाएगी आप चिंता मत कीजिए विजधर परी ऐसा कुछ नहीं होगा रानी परी अगर हम किसी तरह से महाविनाशिनी को गुमराह करें हमारा मतलब अगर हम किसी तरह से महाविनाशिनी तक हमारे उत्सव की जगह की गलत जानकारी पहुंचाए तो बाल परी हमें आपका सुझाव अच्छा लगा तो अब
हम महाविनाशनी के पक्षी यंत्र से ही महाविनाशनी को गुमराह करेंगे। हम बालवीर के जन्म दिवस का उत्सव ऐसी जगह मनाएंगे जहां महाविनाशनी तो क्या उसकी परछाई भी नहीं पहुंच पाएगी। लगता है मेरे जासूस पक्षी ने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। हंसी परी, खुशी परी, आपने हमें रेतीला टापू देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो क्या हुआ, सुनाई तो दे रहा है। अब बालवीर के जन्म दिवस का उत्सव हम वही मनाएंगे। वाह रानी परी, अब बालवीर के जन्म दिवस के उत्सव के लिए रेतीला टापू जैसी वीरान जगह पसंद करेंगी, ये तो महाविनाशनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में देखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मूर्ख परियों तुमने खुद अपने मुंह से बताया। अब आएगा खेल का मजा। उस रेतीले टापू को महाविनाशनी बालवीर और बच्चों का शयन कक्ष बनाएगी, क्योंकि उस अंगूर के खाते ही बच्चों के साथ बालवीर भी सदियों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तैयार हो जाओ बालवीर, महाविनाशिनी तुम्हें सुलाने के लिए आ रही है। परियों, ये बालवीर के जन्म दिवस के उत्सव का स्थल है। ये रेतीले टापू पर जाते ही बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम बालवीर के जन्म दिवस का उत्सव वहां मना सकेंगे। अब आप जाइए, रेतीले टापू पर जाइए। रानी परी, लेकिन हमें डर है कि अगर महाविनाशनी वहां पहुंच गई तो उसे वहां पहुंचने दीजिए। महाविनाशनी को कुछ भी नजर नहीं आएगा सिवाय रेतीले टापू के। हमारे उत्सव का स्थल अदृश्य ही रहेगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया रानी परी, अब वहां पहुंचकर अदृश्य स्थल को दृश्यमान करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अपनी आंखों के सामने अच्छाई को गहरी नींद में सोते हुए देखूंगी मैं। परियों, महाविनाश ने अगर हमें देख रही होगी तो अब तक तो वो रेतीले टापू पे जाने के लिए निकल चुकी होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमने वो उत्सव का स्थल बदल दिया है। परियों, अब हमें चलना होगा। जी रानी, रानी चले। मानव, बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ? चलो, हेयर तो हो गया। हाँ, थोड़ा क्रीम लगा लेती हूँ। नहीं है।
काश मेरे बाल स्ट्रेट होते तो फिर ये दाग भी चिप जाता। एक आइडिया है मेयर, तेरे बाल एंड में जाके कर्ली हो जाते हैं ना, तो तू उन्हें स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर ले, तो फिर तेरे बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे और दाग भी छुप जाएगा, है ना? हाँ, वेरी गुड, मानो स्ट्रेटनर लेके आना प्लीज। हाँ घड़ी को पीछे कर देता हूँ। अरे हाँ अब ठीक है। हाँ रॉकी चाचू, अच्छे कपड़े पहन के तो क्या हुआ, तू भी तो एकदम हीरो बनकर आया है। चले हट, क्या है तमाशा लगा है क्या इधर? हाँ क्या है? अरे अबे रोहित, अरे मंडुवास, मैं तो ऐसे ही पानी पूरी खा के जा रहा था तो आपको देख लिया, तो आ गया आपकी चमचागिरी करने। वो मैं जापान का पार्सल लेने जा रहा था तो ऐसे ही आ गया, गर्दी जमा दी तो देखने के लिए, और चिट्टू भी तो दाने आम इसलिए आ गया। और चिट्टू तू यहाँ? मैं बोल बोल, तू तो कहीं बाहर जाने वाला था ना? मैं बॉस हो, ऐसे ही यहाँ घूमते घूमते आ गया। ओके है ना बॉस, खुली हवा में घूमने थोड़ा मजा आता है। खुली हवा, खुली हवा। सच में क्यों मारे हो डूबे चार? हम लोग तो यहाँ पर नाटक करने आए हैं ना, उस बालवीर को किसी लोग पर रोकने के लिए। नाटक लगना भी तो चाहिए सच डूबा डूबा एक, नहीं तो बालवीर को हो जाएगा संदेह। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। चल हाँ तो पकड़ो। हाँ, हाँ। बचाओ बालवीर, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर, बालवीर। छोड़ दो उस बच्चे को वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ए बालवीर, तू फिर से आ गया मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए? देख मैं तुझसे डरता वरता नहीं हूँ, आज चुपचाप निकल जा यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं मानूंगा। अब तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू अपना नाम भूल जाएगा। लगता हूँ करेगा बालवीर आज चमके धुलाई मेरी, करना चाहिए तब मुझे कोई दूसरा नाटक बालवीर को रोकने के लिए। लगता है मुझे होने वाली है डूबा डूबा एक की जम की पिटाई। पहले ये दाग और उसके बाद ये बाल भी जल गए।
अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं पार्टी में? 5:20 भी हो गए, 5:30 तक कैसे पहुंचूंगी? मानव, रॉकी चाचू, आप दोनों चले जाइए, मुझे नहीं जाना इस पार्टी में। नहीं मेर, हम सब साथ में ही जाएंगे। तू एक काम करना, तू कोई और ड्रेस पहन ले। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारी और ड्रेसेस निकाल के लाता हूँ। देखो ये वाली ड्रेस ठीक है। अच्छा तो फिर ये वाली, देखो देखो ये वाली भी अच्छी है। मैं, देखो प्लीज तुम रो मत, अपने बर्थडे वाले दिन कोई नहीं रोता है। रॉकी चाचू, रो नहीं तो क्या करूं? पहले ड्रेस भी खराब हो गई, उसके बाद बाल जल गए, और मेरे पास दूसरा कोई पार्टी ड्रेस भी नहीं है। और कौन सी पार्टी में एक सिंपल ड्रेस पहन के जाओ? इट्स ओके मेहर, पहन लेना सिंपल ड्रेस, और अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो बालवीर को बुरा लगेगा, है ना? प्लीज, अब तेरी लैंग्वेज में बोलूं, पीट दूंगी। आई मीन पीट दूंगा। मैं, देखो ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी है, तुम इसे पहन लो। ठीक है, मैं इसे पहन लेती हूँ। अरे मैं, जल्दी कर, बहुत कम टाइम बचा है। हाँ मानव, चल जल्दी। जल्दी कर मैं। मैं जल्दी कर, बहुत कम टाइम है। अरे अरे, चप्पल टूट गई। आज मेरा दिन नहीं खराब है, मुझे नहीं जाना पार्टी में। आप दोनों चले जाओ। नहीं मैं, हम तुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे, हम रास्ते में सैंडल ठीक करवा लेंगे। लेट तो लेट, चल ना मैं, प्लीज। नहीं मानव, मेरा मन नहीं है। नहीं मैं, चल प्लीज। नहीं मानव, चल ना मैं, प्लीज। मानव, ये गिफ्ट बालवीर ने मेहर को दिया था, तुम गिफ्ट पे गिर गए। सॉरी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Meher, happy birthday to you, happy birthday Meher। अरे वाह मेहर, ये तो तुम्हें विश कर रहा है। मैं हूँ परीलोक का जादुई आईपैड। परीलोक? मैं कब से राह देख रहा था कि तुम मुझे चालू करो और विश मांगो। विश? हाँ मांगो मेहर, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा। पक्का तुम मेरी विश पूरी करोगे? हाँ महे, जल्दी मांगो। तो ठीक है, मुझे बालवीर की पार्टी में जाने के लिए एकदम प्रिंसेस जैसे बना दो। हाँ। जरूर। बेचारा डूबा डूबा ही, लगता है इस पिटाई के बाद परी लोग की वैद्यशाला भी इसको ठीक नहीं कर पाएगी। और सताओगी बच्चों को? नहीं।
डुबा डुबा एक, डुबा डुबा चार, तुम दोनों यहाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम दोनों ने ये नाटक क्यों किया? करना शब हमें बालवीर, दरअसल चाहते थे हम ये देखना कि निभा रहे हो तुम अपनी जिम्मेदारी पृथ्वीलोक पर ठीक से या नहीं, इसलिए बना मैं पहले बच्ची और बाद में अभी ये गुंडा। इसका मतलब वो बच्ची भी तुम्ही थी डुबा डुबा एक, जो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। डुबा डुबा एक, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा नाटक किया? अगर मैंने तुम दोनों पर वार कर दिया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी परी लोग जाकर रानी परी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। रानी परी, हे आरा बालवीर परी लोग, रोक नहीं पाए हम उसे। कोई बात नहीं डुबा डुबाए, परी लोग में कोई नहीं है, सभी परियां उत्सव स्थल पर पहुंच चुकी हैं। जाइए डुबा डुबाए, आप भी वहां पहुंच जाइए। वो देखो परियां। अरे ये तो कल मेरे सामने में आई थी। मेरे भी, और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था बालवीर के पार्टी के लिए। मुझे भी। बच्चों, बालवीर की पार्टी में जाने के लिए हो ना तैयार? अरे और जोर से बोलो एक बार। सबसे पहला मोंटू तो ग्रेटेस्ट लगा नहीं जाएगा। चल मोंटू, तेरी पैंट फट गई देख। हाँ क्यों हुआ बस? ए, वो आकाश बोल रहा था कि मेरी पैंट फट गई है। देख। हाँ? नहीं बस, कोई पैंट वैंट नहीं फटी है, वो आकाश अब उल्लू बना रहा था। हाँ? जल्दी करो, बस दो मिनट में बस शुरू हो जाएगी। अगर कोई रह गया तो दूसरी बस नहीं आएगी। उसने मुझे उल्लू बना के मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तो मुंडू बॉस, तो मैं अभी गुड न्यूज से आपका मूड बना देता है। मानो मेरा अभी तक आया नहीं। अरे बेवकूफ, ये गुड न्यूज नहीं बैड न्यूज है। अरे मोंटू बॉस, ये सब छोड़ो, जल्दी अंदर चलो वरना बस चली जाएगी। चलो चलो चलो। जाएंगे। बच्चों, ये है बुलबुल, आपकी बस। ये आपको ले जाएगी बालवीर की पार्टी में। 5:30 बज चुके हैं, हमारे उड़ान भरने का समय हो चुका है। अरे ये बस तो स्टार्ट होगी और ये पिद्दी अब तक नहीं आए।
नहीं, बस तो रोकनी ही पड़ेगी। मानो मेहर को अंदर लो या फिर हमें भी उतार दो। ठीक है ठीक है। रानी परी, माँ, परियो, रानी परी, माँ, कहाँ हैं आप सब? रानी परी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। डुबा डुबाओ, आर पार परी, कहाँ हैं आप सब? अब देखना रानी परी, कैसे एक छोटे से जादू से इस अदृश्य स्थल को मैं दृश्यमान बना दूंगी। बहुत अच्छी तैयारियां की हैं रानी परी, पर परियां और बच्चे नहीं आए अभी तक। वाह मेर, बस तो हवा में उड़ रही है। हाँ। अरे वो देखो मेरा घर। माना कितना मजा आ रहा है ना। हाँ। लेकिन कब बलू लल्लू भी होता और मजा आता। हाँ। उसने तो सपना ही नहीं देखा होगा, तो परियां उसे कैसे इनवाइट करती है ना, वो तो घोड़े बेच के सो रहा होगा। लेकिन उसके पास घोड़े कहाँ से बेचने के लिए? वो रात को चाचा के यहाँ गया था ना, उन्हीं ने दिया होगा उसे वो घोड़ा। अच्छा अच्छा, वो मैंने तुम लोगों को घोड़ा नहीं दिया ना, कहीं तुम लोग घोड़ा बेच के सो जाते तो परी तुम्हारे सपने में नहीं आती, इनविटेशन कैसे मिलता? यार आगे जाते हो आप भी। काल परी, माँ, परियो, कहाँ है आप सब? परियो, यहाँ पे भी कोई नहीं। ये सारी परियां अरे लोग छोड़कर कहाँ गई? वाह भी वाह, गोभी आलू। तो बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? अरे बापूजी, वो लोग बालवीर की बर्थडे पार्टी में गए हैं, रॉकी भैया भी उनके साथ ही गए हैं। एक्चुअली जाते जाते उन्होंने बताया था, पर मैं आपको बताना भूल गई। अरे वाह, बालवीर की बर्थडे पार्टी के दिन अपने बच्चों की भी बर्थडे है, बोलो। व्हाट अ रेसिडेंट, नहीं?
रेसिडेंस नहीं माँ, कोइंसिडेंस। हाँ भाई, सेम टू सेम। अपना रॉकी भी बालवीर के पार्टी में गया है ना, ये जानकर मोगाम्बो खुश हुआ। ये लो, अब रॉकी बालवीर की पार्टी में गया है, उसमें मोगाम्बो क्यों खुश होगा भाई? अरे गधेड़ा, मोगाम्बो मतलब मैं। बापूजी ये गलत है बापूजी, आप कभी भी अपना नाम बदल देते हैं और फिर बताते भी नहीं है। बापूजी आपके नाम बदलने से मेरा नाम भी बदल जाता है, महेश मोगाम्बो डगली, और ये मुझे पसंद नहीं है बापूजी। अरे मैंने नाम नहीं बदला है, मैं तो डायलॉग बोल रहा था, मोगाम्बो खुश हुआ। तो मैं भी डायलॉग ही तो बोल रहा था, मुझे नाम पसंद नहीं है। ए स्मिता, एक काम करते हैं, बच्चे पार्टी मना रहे हैं, हां स्मिता बाबूजी, तो क्यों ना हम भी पार्टी मनाएं? चलो कहीं मॉल वॉल में चलते हैं और फिल्म देखते हैं। हां कस्तूरी फटाफट तैयार हो जा, ये कंजूस का प्लान चेंज होए ना उसके पहले हम लोग रेडी होके आ जाते हैं। हां सही कहा, चलो चल चल चल। अरे मैम मैं ऐसे कोई कंजूस नहीं हूं मैं। चलिए चलिए जल्दी, कहां तो हमेशा यहां। अरे ये बस तो यही उतर रही है, क्या पार्टी परी लोग में नहीं है? हाँ नहीं, लेकिन ये जगह भी परी लोग से कम नहीं है। अगर मजा ना आए तो कहना हमारे आयोजन में दम नहीं है। अब चलो चलो उतरो सब। चलो 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 चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे परिया, वाह चलो। अरे लेकिन यहाँ पार्टी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। धीरज रखिए बच्चों, धीरज रखिए, आपकी जिज्ञासा को हम अभी शांत करते हैं और उत्सव द्वीप को यहाँ बुलाते हैं। उत्सव द्वीप? लेकिन ये क्या होता है रानी परी? ये वो जगह है जहाँ हम बालवीर के जन्म दिवस का उत्सव मनाने वाले हैं। ये! इतना सुंदर आइलैंड। चल रोहित अंदर चलते। हाँ। चल पार्टी के अंदर चलते। हाँ। अरे रुको 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 बच्चों पीछे पीछे, बच्चों नहीं जा सकते आप सब ऐसे ही भीतर, क्योंकि है लगाया परियों ने सुरक्षा द्वार आपकी सुरक्षा के लिए। हाँ बच्चों, डूबा डूबा एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परियों आप इन बच्चों को बताइए कि सुरक्षा कवच को पार करके इसके अंदर कैसे जाएंगे। जी रानी परी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बुरे इरादे के साथ या किसी भी बुरी शक्ति के साथ इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे बिजली का झटका लगेगा और वो वापस बाहर आ जाएगा। गाल परी दिखाइए इन्हें। अभी दिखाते हैं विजदार परी। डुबा डुबा एक, जरा आप सामने आइए।
नहीं नहीं। अरे डूबा डूबा पीछे नहीं आगे आइए। हाँ, हाँ, हूँ जाता आगे है। ये देखिए बच्चों, अब डूबा डूबा एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसमें ढेर सारी बुराइयां हैं। डूबा डूबा एक, अब आप अंदर प्रवेश करके दिखाइए। हाँ, वो तो जाऊंगा ही और जाकर कर दूंगा उस बालवीर का अंत। परीक्षण मुझ पर ही हमेशा। काल परे बना तो दिया आपने मुझे फिर से डुबा डुबा एक, लेकिन इस दर्द का क्या? अब अच्छा लग रहा है डुबा डुबा एक? शुक्रिया भटकाती परी, शुक्रिया। देखा बच्चों, इसके अंदर बुरी शक्ति या बुरे विचार के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आप लोग के अंदर बिल्कुल बुराइयां नहीं है, इसलिए आप लोग इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मोंटू, हम लोग तो उस पार जा सकते हैं, लेकिन तेरा क्या होगा? मानव, इसका क्या होगा? ये तो अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही ये पार्टी का मजा उठा पाएगा, क्योंकि बुरे विचारों वाले बच्चे अंदर नहीं जा सकते। हाँ। है बात तो सही इसकी, गया मैं अंदर तो चल जाएगा पता परियों को कि हूँ नहीं मैं चिट्टू, हूँ मैं तोबा तोबा। रानी परी, अब ये उत्सव द्वीप बिल्कुल सुरक्षित है, इसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति तो क्या? महाविनाश ने खुद कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी इस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हाँ, हाँ बालवीर। बच्चों, आप सब डरिए मत, आप एक एक करके द्वार के उस पार जाइए और चिंता मत कीजिए, आप सबको कुछ नहीं होगा। जाइए। हैंडसम महेश, कौन कहता है तेरे बाल झड़ रहे हैं? मैं कहता हूं कि बाल बढ़ रहे हैं। इतने घने बाल देखे हैं क्या कभी? वाह, लेकिन ये चेहरा जरा फीका पड़ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा।
फेस पैक। स्मिता ये फेस पैक हमेशा लगाती है और चमक जाती है। आज मैं लगाऊंगा और चमक जाऊंगा। Just out. Yeah. La 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 la. चेहरा चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, महेश का चेहरा चमक जाएगा, फेस पैक से चेहरा चमक जाएगा, चेहरा चमक जाएगा। महेश, हाँ? मैं क्या, ये क्या लगाया आपने? ये वाला, ये तुम्हारा हमेशा का ये फेस पैक। हे भगवान, महेश आपने ये लगाया? अरे ये फेस पैक नहीं है, बालों में लगाने वाली मेहंदी है। क्या? हाँ मेहंदी है। क्या? अरे मेहंदी है। अरे क्या का मतलब, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या कर दिया तूने? मैंने? अरे मतलब मैंने, महेश ये तूने क्या कर दिया? सुधा सुधा टॉवल 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 जल्दी टॉवल। अरे स्मिता, मैं तो ऑरेंज ऑरेंज हो गया हूँ। क्या रूप निखर कर आया महेश आपका इस मेहंदी से। ये उत्सव का स्थल यहां से गायब क्यों हो गया? लगता है यहां पे कोई उत्सव नहीं होने वाला। एन पल पे रानी परी ने उत्सव का स्थान बदल दिया। चाल चली रानी परी ने। कोई बात नहीं, महाविनाशिनी ये पता लगा लेगी कि असली उत्सव कहां हो रहा है। रोहित चल चलते, सब लोग अंदर चले गए। नहीं बॉस, अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दो वरना हम ऊपर चले जाएंगे। चलो वापस घर चलते। नहीं, मोंटू तक रिद्धेश लखानी ने कभी आज तक हार नहीं मानी है, ना ही अभी मानूंगा। मुड़वास, मुड़वास, मैं तो चला वापस, मुझे ऐसे शौक खा के बाहर निकलना नहीं है। रोक, आज तक ऐसा कोई गेट नहीं है जो मोंटू तक रिद्धेश लखानी को रोक पाया। रोहित पहले तू जा। नहीं बॉस, लेडीज फर्स्ट। मतलब मुझे अंदर जाके झटका नहीं खाने का है? झटके का तो पता नहीं, पर अगर तू अंदर पहले नहीं गया ना तो तू फटका जरूर खाएगा। जाता हूँ, जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। मैं पार कर गया, अब आप भी आ जाओ। देखा चिट्टू, रोहित अंदर चला गया, अब हम भी जा सकते हैं। चल चल चल। मुंडू बॉस, आप पहले जाइए ना, मैं आपके पीछे पीछे आता है। ठीक है। मुंडू बॉस, हाँ डरो नहीं, आप बदमाशी जरूर करता है लेकिन बुरा नहीं है, अब कुछ नहीं होगा बॉस। आप जाइए जाइए।
मिंटू आजा, आजा आजा, मैं भी बाल हो गया, तू भी आ जाएगा, आजा। आता है बॉस। कैसे पता तुम वहां गए थे? गया था मतलब आ रहा मैं वहीं से। तो जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से कि रानी परी ने असली उत्सव कहां रखा? बता तो दूंगा लेकिन जा नहीं पाओगे आप वहां पर। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। मतलब वहां सुरक्षा परी ने है लगाया ऐसा द्वार जिसमें से कोई बुरी शक्ति कर नहीं पाएगी प्रवेश उत्सव में। क्या? तो रास्ता होगा वहां जाने का, मुझे किसी भी हाल में वहां जाना है। हाँ, है एक मार्ग वहां पर जाने का। अगर मानोगे नहीं आप पूरा मुंह देता मैं आपको छोटी सी सलाह। अगर अगर छोड़ दो आप अपनी सारी बुरी शक्तियां यहीं पर, अगर तो कर सकती हो आप वहां उत्सव में प्रवेश। अब आपके ऊपर। कभी कभी अकल की बात करते हो तो मेरी सारी बुरी शक्तियां मैं यहीं छोड़कर जाऊं। लेकिन महाविनाशनी है इसमें बहुत खतरा। अगर कई पकड़ी आप तो लड़ नहीं पाओगी परियों से बिना शक्तियों के, और हो जाएगा आपका अंत वहीं पर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तौबा तौबा। वैसे भी मुझे वहां जादू का कोई उपयोग नहीं करना, बस ये देखना है कि बालवीर गहरी नींद में सो गए। वो तो मैं एक छोटी बच्ची के रूप में भी देख सकती हूँ। छोटी बच्ची बनकर जाऊंगी तो परियां कैसे पहचानेंगी मुझे? पांचों शक्तियां तौबा तौबा। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, इन्हें संभाल कर रखना।
अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हें पाताल से ढूंढ कर भी समाप्त कर दूंगी। नहीं नहीं रैया ये महाविनाशनी बिना है लेती रहती हमेशा परियों से पंगा। अरे जाए भले ही वो परीलोक में बच्ची बनके कहीं लग गई परियों के हाथ तो हो जाएगा उसका सारा खेल समाप्त और हो जाएगा उसका अंत वही पर। मुझे क्या हो जाने दो दीदी, मैंने तो चेतावनी उसे बेवकूफ कही। गधे तूने मेकअप क्यों किया? तू कितना भी मेकअप कर ले लेकिन मुझ जैसा बाका नौजवान नहीं दिखेगा तू। अच्छा आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप बहुत रैंसम हो। रैंसम नहीं माँ, हैंडसम। देखा तुम्हारा बेटा भी मुझे हैंडसम कह रहा है। वो आपको नहीं कह रहा है। अरे मुझसे ही कहा। आप समझे नहीं। अरे मुझे ही कहा, पूछ ले उससे। बाबूजी आप हैंडसम है इस भ्रम में आपको रहना है तो रहिए, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इस ऑरेंज फेस का मैं क्या करूं। ये ऑरेंज ऑरेंज होके मैं ऑरेंज में नहीं जा सकता। क्या है? मॉल में नहीं जा सकता। इसका तो एक ही इलाज है, ब्लीच। हा? मैं आपके चेहरे पर ब्लीच लगा देती हूँ, उससे ये मेहंदी का रंग निकल जाएगा। हाँ बेटा अब कैसा लग रहा है? बाबूजी सलून में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। पिता हाँ? थोड़ा थोड़ा जल रहा है। इसका मतलब रंग खींच रहा है। एक मिनट थोड़ा इस तरफ भी। हाँ लगा दे। बस 10 मिनट इसे सूखने दीजिए फिर आप एकदम मॉल में जाने लायक हो जाएंगे। क्या बात, थैंक यू। चलो Thank you, Smita. Thank you so much. मैं गोल्डन हो गया हूं। रानी महल में भी कोई नहीं, हरे बाग में भी कोई नहीं है। जरूर यहां कुछ ना कुछ हुआ है, पर क्या? अब मैं क्या करूं? ये को कहां ढूंढू मैं? मित्र, लेकिन मैं तो तुम दोनों से कभी पहले मिला नहीं। कौन हो तुम लोग? हम हैं हंसी परी और हम हैं खुशी परी। रानी परी की सेवकाएं हैं हम। अच्छा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सब परियां कहाँ हैं? वो सब है पृथ्वी लोक पर, और आप भी वहाँ चलिए हमारे साथ, क्योंकि पृथ्वी लोक के बच्चों पर उठा है बुरी शक्ति का हाथ। है जरूरत परियों को आपकी, मत कीजिए समय नष्ट। क्या बच्चे संकट में हैं? फिर तो हमें तुरंत पृथ्वी लोक जाना चाहिए। चलिए जल्दी। हंसी परी, खुशी परी, आप मुझे ये कहाँ लेकर आई है? बालवीर जन्म दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ,
माँ रानी परी, आप सबने तो मुझे सचमुच चौंका ही दिया। हाँ बालवीर, यही तो हमारा इरादा था, तभी तो डूबा डुबाव ने आपको पृथ्वी लोक पर रोक कर रखा था, ताकि जब आप इस उत्सव में आए तो इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। तो अब समझा, इसलिए तुम मुझे पृथ्वी लोक पर लड़की और गुंडे का रूप लेकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, है ना? मुझे माफ करना डूबा डुबाए, अगर मुझे पता होता तो मैं मित्र बालवीर तो भूल जाओ वो सब। ये देखो है कैसे सजाया परियों ने इस जगह को। अच्छा हाँ, आओ वो दिखाता मैं तुम्हें। आओ आओ आओ। तुम्हारी खुशी को दुगना करने के लिए है आए ढेर सारे बच्चे तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। वो देखो बच्चों, शुक्रिया। रानी परी, परी आप सबने इस जगह को बहुत ही अच्छा सजाया, लेकिन रानी परी माँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी बालवीर, आपने हमेशा सारे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, तो आपके लिए ये छोटा सा आयोजन तो बहुत ही छोटी बात है। हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही। बालवीर आइए आइए चलिए। हाँ हाँ बालवीर जाइए चाहिए बालवीर। आओ मित्र आओ, चलो आओ आओ। रानी परी क्या बात है, क्या आप अभी भी महाविनाशिनी को लेकर चिंतित हैं? हाँ बाल परी, बात ही चिंता की है। बाल परी, अब तक तो महाविनाशिनी को पता चल चुका होगा कि उस रेतीले टापू पर कोई भी उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, और वो इस समय कोई ना कोई चाल अवश्य चल रही होगी। देखो परी, मैं अपनी सारी बुरी शक्तियां विनाश लोक छोड़ाए, अब तुम्हारी ये सुरक्षा व्यवस्था मुझे भीतर आने से नहीं रोक सकती।
अपनी आंखों के सामने तुम्हें जहर खाते हुए देखूंगी बालवीर। अब वो पल दूर नहीं जब तुम सदियों की गहरी नींद में सो जाओगे और मेरी बुराई का साम्राज्य जाग जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।